वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए एंड वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज वीडियो का जो टाइटल है वो एलन एंड एलियन, यानी कि दो नाम है, जिसमें हमें स्टोरी में ये मालूम होता है कि एलन जो है ये दोनों गाय के बछड़े हैं, बट जो एलन है वो मेल बछड़ा है एंड जो एलियन जो है वो फीमेल बछड़ा है। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं एंड समझने का प्रयास करते हैं कि स्टोरी में आखिर क्या कहा गया है। वंस एलन, वंस का अर्थ होता है एक बार एंड एलन का अर्थ ये नेम है जो गाय का बछड़ा मेल है। तो एक बार एलन द बेबी ओक्स वॉज ग्राजिंग एलोंग द रोड, यानी कि जो एलन था वो क्या है, वो बेबी ओक्स यानी कि फीमेल यानी कि बैल यानी छोटा बच्चा है। तो द बेबी ओक्स वॉज ग्राजिंग यानी कि चर रहा था एलोंग द रोड, एलोंग का अर्थ किनारे होता है। तो रोड के किनारे जो बेबी ओक्स था यानी कि एलन वो चर रहा था। ही सॉ उन्होंने देखा अ प्रेटी येलो कैप, यानी कि उन्होंने एक पीले कलर का सुंदर गाय के बछड़े को देखा, यानी कैप का अर्थ बछड़ा होता है और कैप का अर्थ यहाँ फीमेल से होगा ना कि ओक्स यानी कि मेल से, आगे हमें ये जानकारी हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो उन्होंने ही सॉ अ प्रेटी येलो कैप, तो उन्होंने एक सुंदर पीले रंग का जो कैप को देखता है। अब यहाँ देखते हैं कि ही का उपयोग क्यों हुआ। ही का उपयोग जब भी हम किसी जानवर का या किसी भी एनिमल का कोई नेम दे देते हैं तो उसके लिए हम प्रोनाउन ही का उपयोग करते हैं, और जब भी हम यदि जब तक उस जानवर का या एनिमल का कोई भी नाम नहीं देते हैं तो उसके लिए हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एलन नाम दे दिया गया है इसलिए हम यहाँ ही का प्रयोग करें। चलिए अब आगे देखते हैं। नेम एलियन स्टैंडिंग एंड वीपिंग अंडर अ ट्री बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी कि जो जिसका नाम एलियन है वो खड़े होकर रो रही है यानी एंड वीपिंग रो रही है अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे बाय द साइड ऑफ द रोड। जो ट्री कहाँ है, एक रोड के किनारे है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो एलन है उन्होंने जो एक प्रेटी यानी सुंदर पीले कलर का केव को देखा जिसका नाम एलन था वो खड़े होकर रो रही थी कहाँ, रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एलन सॉ एलियन एंड केम टू हर। अब देखिए जो एलन है गाय का बछड़ा वो एलियन को देखता है एंड और केम टू हर और वो उसके पास चला जाता है। हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम किसी को दुखी देखते हैं या रोते हुए देखते हैं तो उससे हालचाल पूछने के लिए या उनसे आखिर क्या हुआ जानकारी लेने के लिए हम उसके पास चले जाते हैं। तो उसी प्रकार एलन भी रोते हुए एलियन को देखकर वो उसके पास चला जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ हर है, इससे पता चलता है कि जो एलियन है वो फीमेल है। अब आगे देखते हैं। ही आस्क हर। अब जो एलन था उसके लिए ही आ रहा है प्रोनाउन, तो ही आस्क हर जो एलन है वो उससे पूछता है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब देखिए आगे। आई हैव लॉस्ट माई वे एंड डोंट नो वेयर टू गो। अब ये आई यानी कि ये कौन है, ये एलियन है, वो इस प्रश्न का जवाब देते हुए यह बोल रही है कि आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ
माई वे, वे का अर्थ रास्ता होता है, तो अपना रास्ता मैं खो चुका हूँ। एंड डोंट नो, और मैं यह नहीं जानता हूँ कि वेयर टू गो, और मुझे कहाँ जाना है, ये कुछ भी नहीं जानती। ये किससे बोल रही है? ये एलन से बोल रही है। अब आगे देखते हैं, शॉप द कैफ, यानी कि इसका अर्थ, शॉप का अर्थ होता है सिसकना या फिर चिल्लाना, और वो सिसकते मतलब थोड़ी चिल्लाती है। अब देखिए आगे क्या होता है, एलन फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द पुअर कैफ एंड ही सेड, यानी कि जो एलन था वो थोड़ा महसूस करता है, यानी कि अफसोस, सॉरी का अर्थ होता है या माफ़ी मांगना नहीं है, बल्कि वो अफसोस करता है। ही फेल यानी महसूस करता है थोड़ा मतलब अफसोस जैसा, दुखी जैसा। एंड किसके लिए? फॉर द पुअर यानी कि वो बेचारी कैफ, कैफ के लिए। एंड ही सेड, और वो फिर कहता है, वाई डोंट यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते। देखिए यहाँ एलन जो है वो फील यानी थोड़ा अफसोस महसूस करता है उस किसके लिए, वो एलियन के लिए, और तुरंत वो बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते। माई मास्टर, जो मेरे मालिक हैं, इज़ वेरी नाइस, वो बहुत अच्छे हैं। ये कौन बोल रहा है? ये एलन बोल रहा है। किससे? ये एलियन से बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, ही लव्स मी अ लॉट एंड आई एम श्योर ही विल लव यू, यानी कि जो एलन है वो कहता है कि जो मेरे मालिक हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, एंड मुझे आशा है, मैं निश्चित हूँ कि वो तुम्हें भी बहुत प्यार करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, एलियन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर द काइंड वर्ड फॉर एलन एंड सी एग्री टू गो विथ हिम। अब देखिए एलियन जो है वो एलन ये सारे जो बात बोलता है कि मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, तुम्हें प्यार करेंगे, उस बात को सुनकर जो एलियन है वो बहुत खुश हो जाती है उसके द्वारा ये अच्छे वर्ड सुनकर। किससे? यानी कि ये सारे वर्ड सुनकर वो थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और जो फ्रॉम एलन एंड सी एग्री टू हिम, और जो इन सारे वर्डों को सुनकर जो एलियन है वो तैयार हो जाती है उसके साथ आने के लिए या उसके साथ जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। देखिए एलन एंड सी एग्री यानी सहमत हो जाती है टू गो विथ हिम यानी कि उसके साथ जाने के लिए वो सहमत हो जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है, When they reached home, Elan's master was very happy to see Elian. यानी जब, when का अर्थ जब होता है, they यहाँ इसलिए उपयोग हुआ है क्योंकि वो दोनों मिलकर प्लूरल बन रहे हैं Elan और Elian, इसलिए यहाँ they लगा है। तो when, जब वे reach यानी पहुँचना home यानी घर, Elan master यानी कि जो Elan का जो मालिक था, मास्टर का अर्थ यहाँ मालिक होगा, तो जब भी ये दोनों घर पहुँचते हैं तो जो एलन का मालिक है वो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। किसको? एलियन को देखकर वो खुश हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, ही वेलकम एलियन एंड अलाउ हर टू लिव विथ एलन। अब देखिए जो उसका मालिक था वो स्वागत करता है एलियन का एंड अलाव, और इजाज़त दे देता है हर यानी कि किसे, एलियन को, टू लिव यानी कि रहने के लिए, किसके साथ, विद एलन यानी कि वेल एलन के साथ, एलियन को रहने के लिए उसके मालिक इजाज़त दे देता है। अब देखिए आगे क्या होता है, बोथ एलन एंड एलियन स्टार्टेड लिविंग इन द सेम फार्म। अब बोथ का अर्थ दोनों होता है, तो दोनों कौन कौन, एलन एंड जो एलियन है वो शुरू कर देते हैं रहना यानी कि एक साथ दोनों एक ही फॉर्म में या जहां वो रहते हैं वो एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। अब देखिए आगे फिर, दे सून बिकम द बेस्ट ऑफ
फ्रेंड्स, यानी कि दे का अर्थ वे दोनों, सून का मतलब जल्दी, बिकम मतलब बन जाते हैं, यानी कि वो दोनों जल्दी ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आफ्टर सम डे एलियन गेव बर्थ टू अ बेबी कैफ, यानी कि कुछ दिन बाद जो एलियन है वो देती है, यानी कि जन्म देती है टू अ बेबी कैफ, यानी कि एक बछड़े को जन्म देती है, यानी कैफ यानी फीमेल बछड़े को जन्म देती है। इसे हम काल्फ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ जो है वो एल साइलेंट हो जाता है, तो इसे हम कैफ पढ़ेंगे। वो कुछ दिन बाद एक फीमेल बच्चे यानी कि बछड़े को जन्म देती है। फिर आगे देखते हैं, सी गेव अ लॉट ऑफ मिल्क, अब वो बहुत सारा दूध देती है। देयर ओनर वॉज अ हैप्पी मैन, यानी कि जो एलन का जो मालिक था, यानी कि उन दोनों का मालिक बन गया, तो देयर ओनर यानी जो उनके मालिक थे, मास्टर थे, वॉज अ हैप्पी मैन, मतलब एक खुश मिजाज व्यक्ति थे। ही सोल्ड द मिल्क एंड बिकम अ रिच मैन, उन्होंने जो वे उसके मालिक थे, उन्होंने सोल्ड यानी कि बेचा द किसको, द मिल्क को, एंड बिकम और बन गया अ रिच यानी कि एक धनी व्यक्ति बन गया। अब आगे देखते हैं, यानी कि उस गाय के बछड़े के दूध को यानी दूध बेचकर वो एक धनी व्यक्ति बन जाता है। जब वो गाय का बछड़ा जो लाता है और वो कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म देती है एंड वो उसके दूध को बेचकर वो एक धनी व्यक्ति बन जाता है। अब आइए आगे देखते हैं, एलन एंड एलियन रिमेन गुड फ्रेंड, यानी कि जो एलन जो था एंड एलियन वो एक अच्छे दोस्त बने रहे, यानी कि जब से उनकी दोस्ती हुई और आगे भी वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहें। तो गाइस, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है एंड स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। साथ ही यदि वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है या जो भी आपको कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। तो गाइस, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।